हाथी जड़ी बूटी चैनल ते आप सब दा स्वागत। दोस्तों इस वीडियो विच आज दा मेरा टॉपिक है प्राचीन ऋषियां मुनियां द्वारा खोजा गया अशुद्धि पौधा अदरक ते इस दे नाल कीते जाण वाले भयानक तो भयानक रोगों का इलाज। अदरक जिसनों हिंदी भाषा अते होर भाषाओं विच अदरक आदू अलम आल जिंजर इसका वनस्पति अंग्रेजी नाम है जिंजवर आफिसनेलिस। दोस्तों सुकाए हुए अदरक नूं सुंड मन्या गया है पर फिर भी इस विच मतभेद है। इस वीडियो विच आप देख रहे हो यह है अदरक का पौधा। इसकी ऊंचाई लगभग 2-3 फुट तक होती है। इसकी बिजाई महीना मार्च अप्रैल तो लैके की जाती है। इसका बीज इस तरह दियाँ जो गंढियां हैं उन्होंने रूप में होता है जिस दियाँ गंढियां तोड़ के जो है इस तरह दियाँ गंढियां तोड़ के हल्दी या आलूओं की तरह जमीन के दब दिता जाता है जो महीना नवंबर दसंबर में पुटिया जाता है। अदरक गंढियां के रूप में पैदा होने वाला एक सब्जीनुमा पौधा है। इस दे पौधे ते बैंगनी रंग दे जन जड़े हन फुल देखने मिलते हैं पर अंतला समा होण करके दोस्तों मैं इत्थे आप जी नूं फुल जो हन नहीं दिखा सकिया इसलिए मैं आप जी तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों ये जो अदरक का पौधा है अशुद्धियां दे नाल जां गुणा दे नाल भरिया होया एक पौधा है। जेकर अदरक की पूरी जानकारी आप लैनी चाहते हो तो मेरी आप जी नूं बेनती है कि जेकर तुसी मेरे देहाती जड़ी बूटी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कर लो ता कि आने वाली जो अगली जड़ी बूटी है उसका नोटिफिकेशन आप जी नूं पहल दे आधार पर प्राप्त हो सके। दोस्तों अदरक एक चमत्कारी शुद्धि पौधा जिसनों असी रोजाना किसी न किसी सब्जी मिर्च मसाले के रूप में इस्तेमाल करते रहते हाँ क्योंकि अदरक के खाने मनुख के बहुत सारे जो हैं रोग जड़े हैं उन्होंने मुक्ति मिलती है। गर्म मसाले इसनों सौंड के रूप में भी वरतों में लिया जाता है। गर्म तसीर होने करके ज़्यादातर लोग अदरक नूं सर्दी या ठंड के मौसम में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अदरक जो है अदरक नूं दमा खांसी ते भयानक रोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जेकर अदरक नूं उबाल के पीता जाए तो यह खून नूं पतला करता है ते बीपी नूं घटाउंदा है। जेकर इसका ज़्यादातर कई बार हुंदा है कि इस दे नाल बहुत सारे लोग इसकी चाह भी पीते हैं। जेकर चाह दे विच ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए तो यह सिर दे विच सिकरी भी पैदा करता है। दोस्तों अदरक नूं जेकर सही तरीके नाल इस्तेमाल किया जाए तो इस तों इस दे नाल बहुत सारे रोगों तो मुक्ति पाई जा सकती है। जिवें कि खांसी का रोग हटाने दे लई अदरक का रस एक चमचा ते एक चमचा शुद्ध शहद लैके दोवां नूं इस्तेमाल जिहड़ा है सवेरे अते शाम नूं खांसी दे मरीज नूं दिता जाए दो समय दिता जाए 3 दिन दिता जाए तो उसका खांसी का रोग जिहड़ा है ठीक हो जाता है। इस तों इलावा जेकर इस अदरक का इस्तेमाल एक चमचा इसका रस ते एक चमचा शहद लैके इसनों दोवां नूं थोड़ा गर्म करके
जेकर दमे दे मरीज नूं 7 दिन सवेरे अते शाम नूं दिता जावे, ये अशुद्धि दिती जावे, ये खुराक दिती जावे, तां उसका जो दमे दा रोग है वह सदा दे लई ठीक हो जाता है। अदरक, तुलसी पत्तर, सनाए पत्ती, दालचीनी, मोटी इलाची ते छोटी इलाची, इन्हां दी जो है चाह पीण दे नाल जो है दिमागी थकावट जो है दूर होंदी है, ते शीत रुत्त विच नमूनिया वर्गे रोग जिहड़े हन उन्हां तों बचाव कीता जा सकदा है। अर्थात नमूनिया जो है इस दे नाल ठीक हो जाता है। आयुर्वेद ग्रंथां मुताबक खाना खाण तों पहलां अदरक ते सेंधा नमक मिला के जेकर इन्हां नूं इस्तेमाल किया जाए तो इस दे नाल बहुत सारे रोगों तो मुक्ति पाई जा सकती है। अर्थात बड़े ही बहुत ही रोग जो हैं इस दे नाल ठीक किए जा सकते हैं। इस दे इस्तेमाल करन दे नाल जो है जलोदर रोग, उल्टी, जीभ ते कंठ दे रोग अते आवाज़ जो है ठीक हो जाती है। इस तरह करन दे नाल जो है बहुत सारे रोग उत्पन्न नहीं होंदे। प्राचीन चिकित्सा पद्धति अनुसार अदरक नूं कई तरीके नाल मनुखी रोगों नूं ठीक करन दे लई वरतों विच लिया जाता है। इस तों इलावा अदरक अचार, अदरक शरबत, अदरक मुरब्बा, अदरक पाक, अदरक चाह आदि अदरक तो बनाई हुई चटनी के नाल भी जो हैं बहुत सारे रोग हैं ठीक किए जाते हैं। अंत विच दोस्तों मैं कहना चाहता हाँ कि अदरक नूं जेकर ठंड के मौसम विच किसी भी प्रकार इस्तेमाल किया जाए तो ये एक गुणकारी अशुद्धि है। इस दे नाल शरीर के बहुत सारे रोग जिहड़े हन ठीक किए जा सकते हैं ते अपनी काया नूं सोने दे तरह बनाया जा सकता है। दोस्तों ये जो अदरक है, अदरक एक जड़ी है, घर विच पई एक अमृत रूपी दवा है। इस दे इस्तेमाल दे करन दे नाल असी बहुत सारे रोगों तो बच सकते हैं। दोस्तों अंत विच जेकर आप जी नूं ये मेरी वीडियो अदरक दी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे देहाती जड़ी बूटी चैनल सब्सक्राइब करो ता कि अगली आने वाली वीडियो का आप जी नूं नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो देख